सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप थंबनेल बना सकते हो, वो भी एकदम प्रोफेशनल मोबाइल रिव्यू चैनल के लिए। अगर आपका एक मोबाइल रिव्यू चैनल है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको थंबनेल उसके लिए बनाना है। तो ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया था इन भाई ने, आप इनको देख सकते हो, इनके चैनल को भी विजिट कर सकते हो। तो ये मोबाइल रिव्यू पे वीडियोस बनाते हैं और मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि एक थंबनेल बनाने सिखाओ, वो भी मोबाइल रिव्यूज़ के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मोबाइल रिव्यूज़ के लिए कैसे थंबनेल बना सकते हो, वो भी अपने एंड्रॉइड मोबाइल में। दोस्तों जितनी भी चीज़ें होंगी मैं सब एंड्रॉइड मोबाइल में करूँगा, कोई भी कंप्यूटर यूज़ नहीं करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसी कंटेंट देता रहता हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करके आगे बढ़ा। पहले आपको अपना पिक्सेल ऐप ओपन करना है। पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ ऐसी सेटिंग्स मिल जाएंगी, इसे काट देना। यहाँ न्यू टेक्स्ट को आपको एडिट कर लेना है यहाँ पर सिंपल से, और आपको मोबाइल का नाम लिख देना है, जो भी आपको मोबाइल का आप रिव्यू करने जा रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पर इतना रखने के बाद इसे डन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स पे जाना है, और फ़ॉन्ट आपको क्या रखना है, तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट मिल जाता है एक हेमी हेड का। तो ये वाला फ़ॉन्ट को आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो। ये वाला फ़ॉन्ट को आपको इंस्टॉल कर लेना है और इसकी पैडिंग बढ़ा देनी है दोनों तरफ से। तो यहाँ पर पैडिंग बढ़ाने के बाद कुछ ऐसा होएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करके इसे इमेज को सेव कर लेना है। इस इमेज को यहाँ पर आप जाके यहाँ से सेव कर सकते हो। यहाँ पर आपको जाना है डायमेंशन पे और इसे कर देना है अल्ट्रा पे और इसे कर देना है सेव। तो अब जैसे ही इसे सेव करोगे सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस फोन्स के बारे में कुछ लाइन लिख देनी है। यहाँ आपको अलाइन पे जाने के बाद ये वाला सेट कर देना है, और फ़ॉन्ट आपको यही वाला रखना है या फिर आप दूसरा भी रख सकते हो, कोई सा भी फ़ॉन्ट रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। और इसे भी सेव कर देना है इमेज में। दोस्तों इसके बाद आपको सिंपली से आपको ओपन कर लेना है अपना पीएस टच। दोस्तों अगर आपको पीएस टच या पीएससी से चलाना नहीं आता तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि कैसे आपको इसे सीखना है, इसको कैसे आप चला सकते हो। तो वो मैंने वीडियो बना रखी है, इसलिए आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, 1280 और 720 पे रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पर आपको कलर कौन सा रखना है, कलर ये वाला रख सकते हो आप, ये वाला आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, यही वाला रखूँगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर कर दूँगा, यहाँ पर मैं ग्रेडिएंट पे जाऊँगा और ये वाला ग्रेडिएंट रखूँगा। दोस्तों ये वाला ग्रेडिएंट रख दूँगा मैं। दोस्तों ये वाला ग्रेडिएंट रखने के बाद यहाँ पर मैं आपको सिंपली से वो वाला फ़ोन की आपको इमेज डाउनलोड कर लेनी है, जहाँ से भी आपको डाउनलोड करना है। तो वो इमेज मैंने डाउनलोड करके रख रखी है, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पे जिस भी आप फ़ोन का वो करना चाहते हो, तो ये इमेज मैंने डाउनलोड करके रख रखी है। तो इस इमेज को मैं यहाँ पर पहले पीछे का बैकग्राउंड डिलीट करूँगा, तो वो यहाँ पर मैं ये वाले टूल से बता दूँगा। दोस्तों अगर आप इस टूल के बारे में नहीं जानते तो मैंने इस पर भी मैंने बता रखा है कि उस वीडियो में बना रखा है, तो उस वीडियो को जरूर से जाकर देख लो, तो आपको इस टूल के बारे में भी पता चल जाएगा। दोस्तों कैसे यहाँ पर कितना अच्छे से बैकग्राउंड इरेज हो चुका है हमारे ये फ़ोन का। अब हम इसमें शेडोज़ देंगे, अभी नहीं देंगे, अभी हम इसमें टेक्स्ट लगाएंगे पहले। तो टेक्स्ट यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक लोगो भी ऐड करना है, ये वाला इस फ़ोन का ही लोगो है। और उसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर पिक्सेल लैब में जाएंगे, और पिक्सेल लैब में हमें वो वाला फोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रख देंगे, फिर उसके बाद इसमें हम कर देंगे ब्लैक कलर। फिर उसके बाद हम इसमें थ्री को कर देंगे क्लियर। अगर दोस्तों को पीएस टच चलाना नहीं आता तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लूँ। पीएस टच को आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको चलाना नहीं आता तो आप फिर भी सीख जाओगे पीएस टच चलाना, तो बहुत सही वीडियो है, आप जाके चेक कर लो एक बारी। तो उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद ये जो रोग वाला है इसे हमने करना है लेयर फ्रॉम सिलेक्शन, और दोबारा उसी लेयर पे जाना है और उसको कर देना क्लियर। इससे क्या हुआ, रोग हमारा अलग हो गया, देखो। तो रोग पे जाना है, सिलेक्ट पिक्सल, फिर
फिल एंड स्ट्रोक, फिर उसके बाद कर देना रेड कलर फिल, फिर इन दोनों को दोबारा से कर देना है मर्ज, इन दोनों को दोबारा से कर देना है मर्ज। तो लेयर्स हमारी मर्ज डाउन हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें वो वाले टेक्स्ट को ऐड करना है, तो हम ये वाले टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को ऐड करते ही यहाँ पर कुछ ऐसा होएगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट पिक्सल, इनका भी कलर हम रख देंगे, कुछ ब्लैक रखें रेड रखें, कौन सा सही लग रहा है, ब्लैक रख देते हैं, ब्लैक रख दिया। उसके बाद यहाँ पर हो क्या करना है, ये जो लोगो है ना, इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर रख देना है, इस लोगो को यहाँ रखने के बाद इसको इतना डन कर देना है सिंपली से, इसको मैं ये स्नैप टूल को बंद करो और इसको यहाँ पर रख देना है। जो हमने एसोस रोग फोन 3 के बारे में जो बात हो रही है, तो मैंने 3 लगाया नहीं है, तो 3 हम यहाँ पर ऐड करेंगे, हमें 3 बहुत बड़ा 3 चाहिए, बहुत ही बड़ा। इतना बड़ा 3 चाहिए। और ये जो बाकी का पार्ट है इसे हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, यहाँ से कर देंगे क्लियर, और हमें बड़ा सा 3 मिल चुका है। इसे भी करेंगे सिलेक्ट पिक्सल, फिल एंड स्ट्रोक, और कर देंगे फिल रेड कलर से, फिर उसके बाद इस पे जाएंगे और इसे भी हम अच्छे से सेट कर देंगे, फिर दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है ये सारी लेयर्स को। अब अपने हिसाब से मर्ज कर, अपने हिसाब से रखिए इन सारी लेयर्स को, फिर उसके बाद आपको इन सब में ड्रॉप शेडो देनी है, तो ड्रॉप शेडो देने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे, ड्रॉप शेडो देंगे कुछ इस कलर के देंगे ड्रॉप शेडो, तो आप भी कुछ ऐसे कलर का दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई नंबर 3 पे जाना है, इसको भी ड्रॉप शेडो दे देनी है। उसके बाद लोगो पे जाना है, लोगो को भी यही वाली ड्रॉप शेडो दे देनी है। आप कलर देख सकते हो, आप सेटिंग्स देख सकते हो कि मैं कैसे दे रहा हूँ ड्रॉप शेडो। तो उसके बाद यहाँ पर जो ऑफिशियल लॉन्च वॉन्च इनको भी ड्रॉप शेडो दे देना है। तो हमारा यहाँ पर लोगो तैयार हो, ये थंबनेल तैयार हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ। यहाँ पर हमें एक पहले अब हम फ़ोन के नीचे शेडोज़ को ऐड करेंगे, मतलब वाला शेडो मिरर वाला इफ़ेक्ट करेंगे, जैसे कि फ़ोन नीचे भी मिरर हो रहा है, तो वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। तो हम हाँ सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे नीचे, फ़ोन की एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, नीचे वाली लेयर पर जाना है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म फ्लिप ये करना है और फिर ये कर देना है। ये करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा, तो इसको आपको कुछ ऐसे सही से सेटिंग्स पे रख के क्या करना है, अब आपको इसकी ओपेसिटी को कर देना है 50%। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, और ऊपर वाली लेयर में आपको जाना है और उसको भी देना है ड्रॉप शेडो। तो यहाँ पे आपका पूरा तैयार हो चुका है थंबनेल। यहाँ पर मैंने आपको जल्दी जल्दी में बताया है, और आप इससे भी अच्छा थंबनेल बना सकते हो। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर, मैं यहाँ पर सिर्फ फ़ॉन्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बाकी ये सब मैंने गूगल से डाउनलोड किया, तो आप भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम से ही डाउनलोड किया सारी फ़ोटो वोटो, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो, प्लीज़ कोई कॉपीराइट मत मानना। और ये आपका थंबनेल तैयार हो चुका है। ऐसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया, और ये चैनल पर आपको ऐसी और भी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारे चैनल पे ऐसी और सारी वीडियोस पहले से ही हैं, और आगे डेली अपलोड भी करता रहूँगा। यहाँ 100 वीडियोस की हमारी पार हो चुकी हैं, और यहाँ पर आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, 100 वीडियोस से भी ऊपर हो गया। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, जो कि आपको फ़ायदा कराएंगे, और आगे भी मैं आपको वीडियो लेकर आकर रहूँगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मुझे पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और मुझे कमेंट करो, अगर कोई मुझे टॉपिक देना चाहते हो, कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, अगर वो मेरे चैनल के लिए होगी तो।